पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG24 न्यूज़ एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। जन समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पनागर ने किया नगर परिषद पनागर का घेराव। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर कार्यवाहक अध्यक्ष तुलसी कुमार कुशवाहा ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सन्मति सैनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तों में विलंब, नियमित भ्रष्टाचार, आला अधिकारियों पर कार्यवाही जैसे लगातार चल रही समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पनागर के द्वारा नगर परिषद पनागर का घेराव कर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार महोदय को उक्त समस्याओं से अवगत कर ज्ञापन सौंपा गया। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बेन की रिपोर्ट। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बड़े भाई सम्मति सैनी जी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद, आज आपको इस बात का वचन देता हूँ और यहाँ का सीएम सुन ले, जो दलालों को लेकर दिन भर अपने पास बैठता है, जो दलालों के माध्यम से सारे काम करा रहा है, जो आदमी को पूछ पूछ और देख देख कर पानी के टैंकर जो लोगों को शादी ब्याह में उपलब्ध नहीं हो पा रहे लेकिन ठेकेदार के पास खड़े हैं, तो क्या उनकी रसीदें काटी जा रही हैं? आवासीय आवास में जो लोगों को किस्तें दी जा रही हैं बिना राशि के लिए जाए, 10 से 20 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है, ना लिया जाए तत्काल उनका भुगतान किया जाए। गरीबी रेखा के जो कार्ड और विकलांगों के जो कार्ड, विधवाओं के जो कार्ड, सूची से नाम काट दिए गए हैं, उनके कार्ड पुनः जोड़े जाए। जो अधिकारी सार्वजनिक रूप से इस बात में आ गए हैं कि वो भ्रष्ट हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाए, उनको इस बार से दूसरे बार में स्थानांतरण किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर, शराब की दुकान को लेकर, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ये प्रदर्शन भैया सत्ता पक्ष द्वारा भी फर्ज बनता है जो माननीय यहाँ के प्रतिबंधी क्योंकि उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों को जानकारी में होते हुए जिनके अभी एक्शन नहीं लिया जाता है, इसमें क्या कहना? मेरी राय है कि हर प्रतिनिधि को इसमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे आना चाहिए, और मैं वर्तमान विधायक जी से भी ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो इसके लिए आगे आएं और तत्काल लोगों की समस्याओं को हल करने का कार्य करें। मुझे लगता है कि वर्तमान प्रतिनिधि ही शायद इस सब चीज़ों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उसका आपका कहना है? ये तो बात सही है, यदि हमें पता है कि ये भ्रष्टाचारी हो रही है और हम उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ उसमें निश्चित। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे कितने लोग को भाई साहब इन्होंने पास करा दिए जिनके मान ऑलरेडी मकान पक्के बने बनाए हुए हैं और जिनको पात्रता मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, ऐसे कितने लोग हैं? मतलब अनगिनत है, सब चीन चीन कर जो लोगों को अयोग्य हैं, अपात्र हैं, उनको भी दे दिया गया। जो पात्र हैं वो तो बेचारे पैसा लेके और रिश्वत लेके ले रहे हैं। इस मुद्दे में क्या आश्वासन दिए प्रशासन ने? तो क्या उन्होंने कहा कि आपकी तमाम बातों पर कार्रवाई की जाएगी और इसका निराकरण किया जाए, यदि आपकी कार्रवाई पूरी नहीं किए करते हैं तो आगे आपका क्या आंदोलन रहेगा? आगे बृहद आंदोलन किया। आज नगर पालिका की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर एक छोटा सा धरना प्रदर्शन किया गया है, यह संकेत है यदि जो हमारी मांगे हैं यदि वह पूर्ण नहीं की गई तो आगे आने वाले समय में 10 से 15-20 दिन के बाद हमारा मसाला जल्दी छुट्टी निकलेगा और हम जैसे शराब दुकानें भी नहीं हटाई जाती तो हम वार्ड वार्ड जाएंगे, चौराहे चौराहे जाएंगे और जनता को आवाज़ देंगे और जनता का जागरण करेंगे और फिर इसके बाद इस नगर पालिका का घेराव करेंगे और प्रशासन का घेराव करेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस तरह के कृत्य जो किए जा रहे हैं हमारा यह कहना है कि बंद कर दिए जाएं और लोगों को सहूलियत प्रदान की जाए। श्री राम कुशवाहा, कार्यवाहक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। धन्यवाद।